यहाँ पर देखिए, जो बीएमसी ने इन लोग का जो बिगर नोटिस देके घर तोड़ तोड़ दिया है, इनके बारे में हम इनकी जानते हैं कि इनसे क्या क्या हुआ है यहाँ पर। आप बताइए कि यहाँ पर जो आपका जो रूम तोड़ा गया, ये आपको नोटिस वगैरह दिया था क्या? नोटिस वगैरह इसका मेरे को बिल्कुल नहीं मिला। उन लोग ने नोटिस निकाले, अपने पास में ही रखे और इधर पे अचानक आ करके रूम तोड़ना चालू कर दिया धड़ाधड़। एक सेकंड का भी टाइम नहीं दिया। मेरे लेडीज औरत ऊपर थी, उनको लेडीज बाउंसर, लेडीज पुलिस और अपना जेंट्स पुलिस सब लोग और बिल्डर के आदमी और उनके वर्कर सब लोग ने पकड़ के इनको डिब्बे में बिठाया और हमारा रूम सामान वामान सब ऐसे फेंकना चालू कर दिया। सामान भी निकालने का टाइम नहीं दिया और उसके अंदर हमारा पैसा गया, 80,000 रुपया डिब्बे में रखा था वो गया और एक मोबाइल गया और सब सामान देगा ऐसे ही पड़ा है। खाना वाना सुबह से नाश्ता पानी कुछ नहीं। हम लोग ये लोग ऐसे ही अचानक आते और सब तोड़ना फोड़ चालू कर देते। और मेरा एक रूम अपेली में था, उसका भी हेयरिंग नहीं लगाते हुए लोग ने रूम तोड़ दिया। मैंने बोला एक तोड़ो एक रहने दो, जो लीगल तरीके से है। मेरा जीआरसी का पिताजी का डिस्पोट मैटर किया था उन्होंने, तो उनको मैंने तोड़ाने का एक्सेप्ट किया था। मैं बोला एक का तोड़ दो, लेकिन उन लोग ने दूसरा भी तोड़ दिया। बोले ये तुम्हारा पेपर बरोबर नहीं है। पेपर मैंने पूरा दिया उनको, पूरा इलेक्शन कार्ड आईडी, अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड, राशन कार्ड, लाइट मीटर और मेरे जो भी डॉक्यूमेंट है पहले एग्रीमेंट वगैरह वो भी दिखाया, लेकिन ऑफिसर बोलता है कि ये नहीं चलेगा और उनको तोड़ दिया। और कलेक्टर ने जो ऑर्डर दिया वो बोलता है ये भी नहीं चलेगा। क्यों ऐसा उन्होंने बताया क्यों? बस उनको तोड़ना है फटाफट, वो भी आधे 15 मिनट में पूरा सामान वामान फेंक फाक करके पूरा रूम डेमोलिशन कर दिया। हमारी हालत देखो कैसी है। आपके साथ में ऐसा करने की वजह क्या है? उनको जगह खाली चाहिए। किसको जगह खाली चाहिए? बिल्डर को, होमकार को, होमकार बिल्डर को। अभी ये जो हमारा नुकसान हुआ है इसका भरपाई कौन करेगा? पुलिस करेगी कि बीएमसी करेगी कि बिल्डर का आदमी करेगा? कौन करेगा, उसका जवाबदार कौन? और अभी हम लोग रात में सोएंगे कैसा? ये हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, अभी इनका स्कूल का क्या होगा? और ये देखो इनका डिलीवरी का टाइम है। नोटिस तो देना मांगता है कि आगे का प्रोसीजर हम कर सके, नोटिस भी नहीं दिया हमारे को। 9 तारीख का उसका टाइमिंग है, हॉस्पिटल में एडमिट करना है उसको। यहाँ पर देखिए, बहुत ही जाति की हुई है इनके साथ में, जबकि यहाँ पर प्रेग्नेंट औरतें हैं और छोटे बच्चे बच्चे होते हुए भी इन्होंने यहाँ पर कोई भी टाइम नहीं दिया है। बारिश का मौसम है, कोई भी टाइम नहीं दिया है और यहाँ का झोपड़ा ये लोग ने, बीएमसी ने और पुलिस ने मिलकर तोड़ दिया है। ये बहुत ही नाइंसाफी इनके साथ में हुई है। और ऑर्डर निकला तो चाहिए, देना चाहिए कि हाँ भाई तुम्हारा ये ऑर्डर आया है तुम्हारा रूम तोड़ने का। वो ऑर्डर कॉपी भी बैठे हुए थे हमारे घर में, हम लोग को बाउंसर लोग और पुलिस वाले लोग पकड़ के खींच के निकाले बाहर निकाल के। मेरा पैसे का डब्बा था, मैं बोली मेरे को पैसा लेने दो, बाउंसर और पुलिस लेडीज जेंट्स मेरे को डब्बे में बिठा दिए और मेरा पैसा मेरी सास मुझसे मांग रही है, मैं किधर से दूँ? मेरा भरपाई मेरे को पूरा मांगता है, मेरा पैसा नहीं उठाने दिए, सामान नहीं उठाने दिए, हमको हाथ पकड़ के कपड़ा पकड़ के खींच के नीचे कर दिया। हम तो सामान कहाँ लेके गए? वो फेंक दिया इधर उधर, हमारा पैसा गायब हो गया। पब्लिक कौन ले गया क्या मालूम, हम लोग को मालूम नहीं है। अभी वो पेट वाली है, उसको खींच के निकाला, उसको लग गया। ऐसा क्या जाति हो कर नहीं, घर में तो सामान ही नहीं कोई चीज निकालने दिए, हर सामान तो पेड़ से निकलो, बाहर निकलो, हम लोग निकाले सामान निकाल, हाथ पकड़ हमको बाहर, चलो गाड़ी। यहाँ पर देखिए, बहुत ही जाति हो रही है यहाँ से बिल्डर की और यहाँ पर पुलिस और बीएमसी की। इतना इंसानियत जरा सी भी नहीं इनके पर दिखाया है ये लोग ने और ये लोग को घर से बेघर कर दिया है। ऐसे बिल्डर को कुछ ना कुछ कार्रवाई होनी ही चाहिए। देखिए, सारा सामान पूरा घर के बाहर है, इनका पूरा फेंक दिया गया है और वो लोग कह रहे हैं कि इनका 80,000 रुपया डब्बे में रखा हुआ था वो भी यहाँ पर नहीं मिल रहा है। इतना बड़ा नुकसान इनका हो गया। मेरे पल्ले पे लगा हुआ ये सारे डॉक्यूमेंट बीएमसी ने दिए हुए हैं, ये लोग ने ये सभी लगे हुए हैं, फिर भी यहाँ पर तोड़ दिया गया है। हम यहाँ पे सानीगुजी नगर बी कमेटी में आए हुए हैं। इसके अभी झोपड़े तोड़ने के लिए बीएमसी यहाँ पर आने वाली है। इन लोग को कोई नोटिस ना देते हुए भी यहाँ पर कार्रवाई करने की कोशिश जारी है। ये देखिए, जो
लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनको भी यहाँ से निकालने की कोशिश है बीएमसी की। किस तरह से रह रहे देखिए ये लोग के ऊपर गया यहाँ पर देखिए सारे झोपड़े तोड़ दिए लेकिन जिनका कोर्ट में केस चालू है प्लॉट पे पूरा सामान डाल के रखा है। ए सुबह चप्पन काटो दादा सुबह चप्पन का मजा जा कार कॉम्प्रेस यहाँ देखिए आज भी उसी हालत में यहाँ पर रह रहे हैं लोग। क्या हुआ आपका रूम का क्या प्रॉब्लम क्या है? मेरे रूम का ये प्रॉब्लम है मेरा पात्र हो जाए। पात्र हो जाए कभी? अभी वो तो मेरे भाई को ही मालूम है सुजन दादा को। सुजन दादा को सुशांत को मालूम है? हाँ मेरे बड़े भाई को मालूम है। हाँ तो आप यहाँ पर अभी किस तरह से रह रहे हो? कोई आपको बोलता नहीं है यहाँ पर? पैसा रह रहे हो तो इतना प्रॉब्लम में भी आप यहाँ पर रह रहे हो? प्रॉब्लम इसके लिए तो रह रहे हैं। आपका क्या कहना है यहाँ पर? मेरा क्लियर करके मिलना मांगता है। मेरा पूरा पोजीशन मेरा भाई का है वो पूरा क्लियर हो जाए आप लोग चले जाए आप लोग यहाँ गंदगी में रहने का नहीं है। बाकी आपका कोई कहना नहीं है? बाकी कुछ कहना नहीं कि अपने साथ में सबका क्लियर होना मांगता पानी बढ़ता है बारिश होता है पूरा पानी बढ़ता है पूरा बारिश होता है पूरा कचर पट्टी बास आता है हम लोग को प्रॉब्लम तो होएगा ना। यहाँ पर देखिए सभी लोग जब तक क्लियर नहीं करके देते तब तक यहाँ पर ये लोग रुकेंगे ऐसा इन लोग का कहना है। सभी झोपड़ियाँ टूट गई है यहाँ पर काम करने के लिए यहाँ पर मटेरियल डाल के रखा है लेकिन कुछ झोपड़े हैं अभी भी बाकी है उनके वजह से यहाँ पर ये काम रुका हुआ है। यहाँ पर भी लोग रह रहे हैं अभी तक नोटिस मारा हुआ है यहाँ पर। कोर्ट का ऑर्डर दिया हुआ है यहाँ पर। आज शायद बीएमसी यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए आने वाली है कुछ ही देर में शायद यहाँ पर बीएमसी आ सकती है ये जो झोपड़े हैं इनको तोड़ने के लिए।
पर कुछ काम चालू हो चुका है। यहाँ पर मशीनरी लगी हुई है, देखिए यहाँ पर देखिए हम सात रस्ता जे आर बोरीजा मार्ग के ऊपर एक जो कचरा साइडिंग है उस कचरा साइडिंग के पास में आए हुए हैं, जहाँ पर भूमिघाट का शुरुआत होता है वहाँ पर हम आए हुए हैं। यहाँ पर एक मुतारी की हुई है और ये मुतारी के बाद में चेहरे पे साइड में भी यहाँ पर पूरा लोहे का प्लेट है यहाँ पर, और उस लोहे के प्लेट के ऊपर फिर से और एक्सटेंशन किया जा रहा है यहाँ पर बाथरूम। तो ये किस तरह से है ये हम देखेंगे, कि इनका जो कॉन्ट्रैक्टर है इनसे बात करके यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर किस तरह से बाथरूम होने जा रहा है। हम यहाँ के रहवासियों से बात करेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह से हो रहा है। आप बताइए बताइए आप यहाँ पर क्या होने जा रहा है, आप यहाँ पर रहते हो क्या? रहते हैं, ये हमारे इधर रूम भी है और यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं, ये गटर के ऊपर टॉयलेट बना रहे हैं, बोल रहे हैं टेम्परेली पक्का बना रहे हैं। और टॉयलेट के पास एक टॉयलेट ऑलरेडी, यहाँ एक टॉयलेट है जो 24 घंटे खुला रहता है, उसके बाद भी ये गटर के ऊपर टॉयलेट बना रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, मतलब इससे गंदगी फैलेगी। और सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो 100 मीटर के दायरे के अंदर दूसरा टॉयलेट नहीं बना सकते, ये टॉयलेट के पास टॉयलेट क्यों बना रहे हैं, इतनी जगहें खाली हैं। यहाँ 100 मीटर से दूर जाएं तो वहाँ पे दो टॉयलेट और हैं उसके अंदर भी ये यूज़ कर सकते हैं ना, जिसमें एक बंद है एक और चालू करा सकते हैं। या टेम्परेली बना रहे हैं तो टेम्परेली किस बात पे बना रही है, गटर है ऑलरेडी, गटर है, गटर के ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, ये गटर के ऊपर कंस्ट्रक्शन किस बात पे कर रहे हैं, आते हैं डराते हैं परेशान कर रहे हैं। क्या डराते हैं आपको ये लोग, आते हैं ये हमारी दुकान चलती है इसका सामान उठा के ले आते हैं, बीएमसी लगा देंगे, बीएमसी आती है जी भर के ले जाएंगे, परमिशन मांगते नहीं है। अभी हमने कंप्लेन भी की है, नोटिस का जवाब भी हमें नहीं मिला है। अच्छा 18 तारीख को हमने जो है किया था, आज 25 तारीख हो गई है, अभी तक के नोटिस का जवाब ना बीएमसी ने दिया है, किसका जवाब दें। इन लोगों से परमिशन का बोल रहे हैं तो हमारा रोकना वाजिब है, हम नहीं रोकेंगे तो कौन रोकेगा, ये अनलीगल कंस्ट्रक्शन है, ये क्यों कर रहे हैं टेम्परेली, इसकी ज़रूरत क्या है, बहुत सारी जगह हैं, सामने एक झोपड़ा जो था नहीं रातों रात बना दिया, वहाँ जगह खाली थी वहाँ बना सकते हैं टेम्परेली, क्यों नहीं बना सकते, यही ज़रूरी है कि यही बनाया जाए। टॉयलेट के पास टॉयलेट बताए ना, इसका जवाब दीजिए, टॉयलेट के पास टॉयलेट की क्या ज़रूरत है, जो टॉयलेट 24 घंटा सर्विस दे रहा है, 24 घंटा जहाँ उनको पानी का प्रॉब्लम है उसके बाद टैंकर डलवा के सर्विस दे रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है बताए ना, तो ये दूसरों को क्यों परेशान कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए इन्होंने कहा है कि यहाँ पर फिलहाल बाथरूम होते हुए भी दूसरा बाथरूम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और फिलहाल कोई बीएमसी या ये लोग की साजिश है जो यहाँ पर ये जगह कैबिज करने का चल रहा है। मैं VRNews.in से नागेश नंद। और खकुल्ला जी अभी भी रह रहे हो इधर, क्या करें, कहाँ जाएंगे, कहाँ भाड़ा भूती उतना लगेगा, 10,000-15,000 कहाँ देंगे साहब, जब तक है जब तक रहता हूँ चार दो ठीक चले जाएंगे, अपना अपना कुछ नहीं है, खाली बस खाट भर है सोते हैं, अपना चले जाएंगे साहब, कोई बात का वो नहीं। Yeah, I'm just...